चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको जो है रेडमी 10X 5G के बारे में जानकारी देने वाला हूँ कि कब तक आ सकता है इंडिया में और इसके स्पेक क्या होंगे। तो यहाँ पे आपको 6.6 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिलेगी जो फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले होने वाली है। जी हाँ, एमोलेड डिस्प्ले ये होने वाली है और बताया जा रहा है ये 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आएगी। मैं आपको बता दूँ, डिस्प्ले तो ज़बरदस्ती होगी और फ्रंट में जो है आपको ड्रॉप नॉच देखने को मिलेगा जो बताया जा रहा है कि 20 MP का होने वाला है। और बैक में जो है क्वाड कैमरा होगा स्क्वायर शेप में, जिसमें प्राइमरी 48 MP, 8 MP का अल्ट्रा वाइड, 5 MP का मैक्रो और 2 MP का डेप्थ देखने को मिलने वाला है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो है आपको बैटरी देखने को मिलेगी 4300 mAh की बैटरी, और उसको चार्ज करने के लिए 22.5 W का फास्ट चार्जर आपको देखने को मिल जाएगा। और यह यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि प्रोसेसर जो देखने को मिलेगा वो होगा Dimensity 820 वाला प्रोसेसर, 5G मोबाइल है और ये 5G प्रोसेसर है, ज़बरदस्त है। और वहीं मैं बात कर लूँ इसके अदर फीचर की, तो यहाँ पे UFS 2.1 देखने को मिल जाएगा। LPDDR4 इसकी रैम होगी और इसमें आपको 3.5 हेडफोन जैक देखने को मिल जाएगा, IR ब्लास्टर देखने को मिल जाएगा, पीछे ग्लास बॉडी होने वाली है। और ये बताया जा रहा है यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिल सकता है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट नहीं देखने को मिलेगा। मैं 10X 5G की बात कर रहा हूँ। अब दोस्तों बात कर लूँ इसके प्राइस की, तो ये जो है 17,000 रुपये के आसपास लॉन्च होने वाला है, 17 से 20 हज़ार रुपये के आसपास इसी प्राइस में लॉन्च होगा चाइना में। तो इंडिया में 20,000 तक जा सकता है, उससे महंगा भी, लेकिन वहाँ पे तो इतने में लॉन्च होगा, उससे महंगा लॉन्च नहीं करेंगे ये। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आपको अच्छे खासे फीचर देखने को मिल जाएंगे, आपका क्या कहना है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और वहीं इंडिया की बात करूँ, तो इंडिया जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अगले के अगले महीने यानी जुलाई में आपको ये मोबाइल देखने को मिलेगा, उससे पहले नहीं देखने को मिलेगा। आप क्या कहते हैं ज़रूर बताइए।